प्रभात आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कर्णप्रयाग से खबर, जहां गौचर आईटीबीपी के पास बद्रीनाथ हाईवे खुला है। बद्रीनाथ हाईवे पर यातायात फिर से बहाल किया गया है। करीब दो घंटे तक बद्रीनाथ हाईवे बंद रहा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। बद्रीनाथ हाईवे पर यातायात को अब फिर से बहाल कर दिया गया है। गौचर आईटीबीपी के पास बद्रीनाथ हाईवे खुला है। करीब दो घंटे तक बद्रीनाथ हाईवे बाधित रहा था, क्योंकि बारिश का मौसम है। जगह जगह से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मलबा गिरने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और इन्हीं तमाम वजहों से कई सारे मार्ग भी बंद हो रहे हैं। इसी तरीके से कर्णप्रयाग से खबर है, गौचर आईटीबीपी के पास जो बद्रीनाथ हाईवे था, दो घंटे तक बाधित रहने के बाद फिर से यातायात बहाल हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया है, दो घंटे तक हाईवे बाधित रहा, बंद रहा, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को जो उस रास्ते से होकर गुजर रहे थे, उनको परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर यही है कि बद्रीनाथ हाईवे पर यातायात को फिर से बहाल कर दिया गया है। गौचर आईटीबीपी के पास जो बद्रीनाथ हाईवे है, दो घंटे के लिए बंद रहा, लेकिन हाईवे को अब खोल दिया गया है। जितेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आखिर क्यों हाईवे बंद हुआ था और क्या सुचारू रूप से अब हाईवे खुल गया है, वाहन निकल पा रहे हैं? जी देखिए, बीती रात से लगातार तेज और मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ों में जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे कर्णप्रयाग और गौचर के बीच और कर्णप्रयाग और लंगासू के बीच लगभग पांच स्थानों पर बाधित रहा। और गौचर आईटीबीपी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 6:30 बजे के करीब हाईवे बाधित हो गया था, जिसके बाद 8:30 बजे करीब यह मार्ग को खोला गया। हालांकि प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जो एनएचसी जो कंपनी है वो यहाँ पर लगातार मशीनें उनकी यहाँ पर मौजूद हैं, मार्ग को खोलने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन बार बार जो बारिश हो रही है उसके चलते पहाड़ों से जो मलबा है और जो पत्थर है वो लगातार गिर रहे हैं, जिसके चलते जो चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोग हैं, चाहे वो राहगीर हों चाहे वो स्थानीय लोग हों, उनकी दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे अब खुल गया है, लगातार बारिश होने की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में कहीं से मलबा आने की खबर है, कहीं भूस्खलन की खबर है, और ऐसे ही बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने की वजह से दो घंटे तक जो हाईवे है वो बाधित रहा। बहरहाल अब हाईवे को खुलवा दिया गया है। वहीं जोशीमठ से खबर, जहां अड़ीमठ के बाद बंद हाईवे खुला है, बीआरओ ने हाईवे को बहाल किया है। मलबा आने की वजह से हाईवे बंद हो गया था, लेकिन अब हाईवे को खुलवा दिया गया है। जोशीमठ से भी ऐसे ही खबर सामने आ रही है, जहां अड़ीमठ के बाद बंद हाईवे को यहां पर खोल दिया गया है, बीआरओ ने हाईवे को बहाल किया है। मलबा आने की वजह से हाईवे यहां पर बंद हो गया था, कुछ देर के लिए हाईवे बंद रहा, लोगों को वहां भी दिक्कत उठानी पड़ी, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को मलबा आने की वजह से, क्योंकि सड़क बिल्कुल बाधित हो जाती है, ऐसे में लोगों को वहां पर रुकना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, और तब जाकर वहां पर जब मलबे को हटाया गया उसके बाद यातायात सुचारू हुआ। अड़ीमठ के बाद बंद हाईवे खुला है, बीआरओ ने हाईवे को बहाल करवाया है। मलबा आने की वजह से हाईवे बंद हो गया था, बहरहाल मलबे को हटा दिया गया और आवाजाही वहां पर शुरू हो चुकी है। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मलबा आने की वजह से लंबा जाम लग गया और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। बहरहाल अभी स्थिति सामान्य है। उत्तरकाशी में बारिश के बाद भूस्खलन की खबर आई है। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है, 12 से ज्यादा सड़क ग्रामीण क्षेत्रों में बंद हैं। लगातार बारिश का दौर जारी है और लोगों के लिए ये बड़ी मुसीबत बनी हुई है। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है, उत्तरकाशी में बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, 12 से ज्यादा सड़क ग्रामीण क्षेत्रों में बंद हो गई हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए, जो लोग वहां पर रहते हैं उनको कितनी परेशानी हो रही होगी। लगातार वहां पर बारिश हो रही है, भूस्खलन की खबर सामने आ रही है, नेशनल हाईवे जिसकी वजह से बंद हो गया है। 12 से ज्यादा ऐसी सड़क बताई जा रही है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बंद है, सिर्फ कुछ ही मार्ग खुले हुए हैं जिनसे लोग अपनी आवाजाही कर रहे हैं। लगातार बारिश लोगों के लिए अब आफत बन चुकी है। बारिश के बाद भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह सड़कें बाधित हो रही हैं। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। आज भी उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर, चंपावत और ऊधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी किया है।
आपको बता दें अभी आने वाले दिनों में इसी तरह का मौसम प्रदेश में बना रहेगा। फिलहाल आफत की बारिश से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि 3 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया जिसमें बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर है, जहां पर अभी बारिश से तो राहत नहीं मिलने वाली है। तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। वही पौड़ी में देवप्रयाग स्टेट हाईवे को खोला गया, सभी तरह के वाहनों के लिए स्टेट हाईवे को खोल दिया गया है। पिछले 3 दिनों से पौड़ी देवप्रयाग स्टेट हाईवे बंद था। पुल की भार क्षमता को मापने के लिए टेस्टिंग की जा रही थी, टेस्टिंग के कारण ही स्टेट हाईवे को बंद किया गया था। लेकिन अब खबर ये है कि पौड़ी में देवप्रयाग स्टेट हाईवे को खोल दिया गया है, सभी तरह के वाहनों के लिए स्टेट हाईवे को खोला गया है। दरअसल पिछले 3 दिनों से यह हाईवे बंद था और उसकी वजह यह थी कि पुल की भार क्षमता क्या है इसको मापने के लिए टेस्टिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से रास्ते को बंद किया गया था। अब टेस्टिंग होने के बाद हाईवे को खोल दिया गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर तीर्थयात्री दहशत के साए में यात्रा कर रहे हैं। दरअसल यात्रा मार्ग पर ऐसी कई जगह है जहां से भूस्खलन का खतरा है, ऐसे में यात्री इन जगह से गुजरते समय बेहद ही सावधानी बरत रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें एबीपी गंगा के पास हैं, जिसमें आप यात्रियों को देख सकते हैं किस तरीके से वो मुश्किल भरे इन रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं। भूस्खलन की वजह से यात्रा मार्ग पर चलना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। किस तरीके से लोग गुजर रहे हैं या खुद देख लीजिए। वहीं टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने से झील के आसपास बसे गांव के ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि झील की वजह से उनके घरों में दरारें पड़ रही हैं, जबकि प्रशासन इनके विस्थापन नहीं कर रहा। टिहरी झील का जलस्तर बढ़ते ही ग्रामीणों में दहशत है। झील का जलस्तर बढ़ने से इन गांवों में जमीन धंसने और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। यही वजह है कि ग्रामीण परेशान। जब बिटिन झील आए तब हम बहुत परेशान है, जब बरखा होनी हम भैर मानो है और जन रोल कॉल वालों वही तन हमारे जल्दी वही चेत बस हमारा मकान है टोटल डग गया। नंद गोवाल हमसे बात है तो जल्दी वही जो का मकान टूटा तो सुनाई नहीं करी। झील से सटे कई गांवों में घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। बारिश के मौसम में ये दरारें तेजी से बढ़ रही। ग्रामीणों को आशंका है कि कहीं उनके घर जमींदोज न हो जाएं। हमें यहाँ पर जो है जब से ये टिहरी बांध बना है तब से हम लोग काफ़ी परेशानी झेले रहे हैं। यहाँ कई बार जो है हम लोग ऊपर पुनर्वास में भी बैठ चुके हैं और धीरे धीरे जो है यहाँ पर हमारे मकान जो है वो जमींदोज हो रहे हैं। अभी तो एक दो बार तो इसी सत्र में जो है दो मकान जो है वो टूटे भी हैं और मुझे लगता है कि आगे आने वाले भविष्य में धीरे धीरे जो है ये इस तरह की दुर्घटनाएं होती रही। टिहरी झील से प्रभावित ग्रामीण काफी समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आंशिक डूब क्षेत्र के इन गांवों का ना तो विस्थापन हो पाया और ना ही इन्हें मुआवजा मिल पाया। इसमें फर्स्ट बैठक जो ली थी जो आपके उनके रिहैबिलिटेशन को लेकर के, उसमें उनकी जो स्टेटस है उसमें हमने ठीक ठाक किया है, बट कुछ लोगों की सूचनाएं अभी हमारे पास प्राप्त हो रही हैं जिनको उनका मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है या उनको विस्थापित पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका है, इसको मैं देख रहा हूँ। मानसून सीजन तो जैसे इन ग्रामीणों के लिए मुसीबत ही लेकर आता है, लेकिन सवाल ये है कि ग्रामीणों की फरियाद भला कौन सुनेगा। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। वही जोशीमठ का प्रसिद्ध जोगीधरा फॉल इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। हर रोज बड़ी संख्या में पर्यटक इस फॉल का दीदार कर रहे हैं। यह बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ से 2 किलोमीटर पीछे स्थित है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जोगीधरा फॉल में पर्यटकों की हलचल देखने को मिल रही है। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ से करीब 2 किलोमीटर पीछे की तरफ स्थित है और यहाँ पर पर्यटकों की हलचल भी अब पहले की अपेक्षा काफी बड़ी है। मौसम का लुत्फ पर्यटक उठा रहे हैं और जोगी धारा में पर्यटक पहुंच रहे हैं इस खूबसूरत फॉल को देखने के लिए। तो जोशीमठ का प्रसिद्ध जोगीधरा फॉल इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं।
इस फॉल का दीदार करने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ से 2 किलोमीटर पीछे ही स्थित है। मौसम सुहाना है, ऐसे में पर्यटक इस खूबसूरत नजारे का अंदाज आनंद लेने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की हलचल काफी बड़ी है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो जोगीदारा की ये तस्वीरें आप देख रही हैं, पर्यटकों की हलचल यहां पर काफी बड़ी है क्योंकि मौसम भी सुहाना है और ऐसे में पर्यटकों की आवाजाही भी जोगी फॉल की तरफ काफी हुई है। वही जोशीमठ के सीमांत गांव जुगजू के ऊपर एक बार फिर चट्टान कहर बनकर टूटी। यहां ग्रामीणों ने गुफाओं में शरण लेकर जान बचाई। चिपको की धरती रणी गांव के सामने जुगजू गांव की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। गांव के ऊपर कल रात भारी बारिश से फिर चट्टान टूटी। चट्टान टूटने के बाद गांव में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। तो अचानक से चट्टान के टूटने की वजह से जो वहां रहने वाले लोग हैं वो दहशत में हैं। उन लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। गांव के ऊपर कल रात भारी बारिश से फिर से चट्टान टूटी जिसके बाद अफरा तफरी की स्थिति वहां पर हो गई। जोशीमठ के सीमांत गांव जुगजू के ऊपर चट्टान कहर बन के टूटा है और ये कोई पहला मौका नहीं है। इस जगह पर पहले भी इस तरीके के हादसे होते रहे हैं। ग्रामीणों ने गुफाओं में शरण लेकर अपनी जान को बचाया है। रात से जो है कि चट्टान टूट रहा है और हम लोग जो है कि इस प्रकार बारिश में रात गुजारने के लिए इस गुफा में मजबूर हुए हैं और हम तहसील प्रशासन जिला प्रशासन से यह भी मांग करते हैं कि अगर भविष्य में किसी प्रकार ग्रामीणों को कोई खतरा होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन चमोली की होगी। तो देखिए किस तरीके से पहाड़ियों के बीच में लोग छुपने को मजबूर हैं क्योंकि जहां पर ये लोग रहते हैं वहां पर चट्टान गिर रही है, बारिश लगातार हो रही है और ये पहला मौका नहीं है। इस गांव में अक्सर इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। जुगजू गांव में जो टूटी चट्टान है वो लोगों के लिए आफत बन चुकी है, लोग परेशान हैं वहां पर। देखिए किस तरीके से पहाड़ों के बीच में जाकर ये लोग छुपे हुए हैं क्योंकि जहां पर ये रहते हैं वहां पर इस तरीके के हादसे होना आम बात सी हो गई है और बारिश के मौसम में ऐसी ज्यादा घटनाएं बढ़ती रहती हैं। वही देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 36 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। योजना आयोग की नियमावली पर संशोधन के प्रस्ताव पर मोहर लगी। लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ऑफिस में ई ऑफिस प्रणाली सेवा के अधिकार आयोग प्रतिवेदन को भी मंजूरी दे दी गई है। कौशल विकास विभाग की सेवा संशोधन नियमावली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियमावली में 6 महीने के लिए बढ़ोतरी कर दी गई है। केदारनाथ बद्रीनाथ में निर्माण कार्यों को लेकर मूल्यों में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। 1.5 महीने के बाद धामी कैबिनेट की बैठक हुई थी और जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी धामी सरकार की तो उस वक्त यूनियन सिविल कोड को लेकर फैसला लिया गया था और उसके बाद ये बैठक काफी अहम मानी जा रही थी। कई बड़े फैसले कई विभागों से जुड़े हुए इस बैठक में हुए। कुल मिलाकर 36 बड़े फैसले हैं जो लिए गए हैं। सोनप्रयाग को भी मास्टर प्लान कराने को मंजूरी दी है। पहाड़ों में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। वहीं अब आपको बताते हैं कि सीएम धामी का आज का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है। आज सीएम धामी सुबह 10 बजे यानी कि अब से थोड़ी ही देर बाद नगर निगम की ओर से आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सुबह 10:30 बजे सीएम स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से संचालित इलेक्ट्रॉनिक बसों को फ्लैग ऑफ करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम धामी सचिवालय में राजस्व विभाग की समीक्षा करेंगे। दोपहर 2 बजे के करीब पुष्कर सिंह धामी अपने कैंप कार्यालय पर पहुंचेंगे। तो ये आज का पूरा प्लान, पूरा कार्यक्रम पुष्कर सिंह धामी का आज एक्शन मोड में है। आपको बता दें पूरे दिन के कार्यक्रम है। 10:30 बजे जहां वो पहुंचेंगे, सुबह 10 बजे नगर निगम की ओर से आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम, 10:30 बजे सीएम स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से संचालित इलेक्ट्रॉनिक बसों को फ्लैग ऑफ करेंगे, 11 बजे के लगभग भी उनका पूरा कार्यक्रम है। तो पूरे दिन का शेड्यूल ये सीएम धामी का रहने वाला है। अगली खबर खटीमा से है। निर्माणाधीन भवन का लेंटर गिरने का मामला जिसमें मलबे में फंसे 5 मजदूरों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। SDRF और स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है।
घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खटीमा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां निर्माणाधीन भवन का लेंटर गिरने के मामले में 5 मजदूरों को रेस्क्यू करके निकाला गया है। मलबे में 5 मजदूर फंसे थे जिन्हें बाहर निकाला गया है। SDRF और स्थानीय पुलिस ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और जो मजदूर घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज उनका करवाया जा रहा है। 5 मजदूर मलबे में फंसे थे उनको रेस्क्यू करके निकाल दिया गया है। SDRF और स्थानीय पुलिस ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। जो लेंटर का जो स्लैब है जो नीचे गिर गया था अपने आप, ऐसा ना कि इसके अंदर 2-3 मजदूर थे, जो एक तो पहले निकाल दिए गए, दूसरा वाला जो ये जो दबा हुआ था ये बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ था, जिसमें जो है प्लाई हो गई और उसके अंदर मसाले में इसके अंदर माल दबा हुआ था। इसको जो हमने जो है प्लाई वगैरह काटी, फिर लकड़ी वगैरह काटी अपने कटर की मदद से, फिर उसका जो है धीरे धीरे करके इसको अगल बगल से मसाला वगैरह हटाया, फिर जाके बड़ी मुश्किलों से निकाला। आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां UKSSC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। STF ने 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। कई और मामलों में कार्रवाई हुई है, आपको बता दें कई और लोगों से मामले को लेकर तार जुड़े होने की भी संभावना जताई जा रही है। मामले में आज भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आयोग के गोपनीय कामों को करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी का कंप्यूटर प्रोग्रामर इसका पूरा मास्टरमाइंड है। पेपर लीक करने के एवज में 60 लाख रुपए मांगे गए थे। इस मामले में 37,10,000 रुपए कैश, 10,000 के करीब कैश बरामद किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां उत्तराखंड में SSC पेपर लीक मामले में ये कार्रवाई हुई है, 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। उधर उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती में हुई धांधली का मामला गरमाता जा रहा है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आयोग को भंग करने की मांग तक कर डाली, तो वहीं कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बना लिया। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया सवालों में घिर गई है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो ये तक मांग कर डाली है कि आयोग को भंग ही कर देना चाहिए। बहुत चिंता का विषय है कि हमारे जो सुयोग्य बच्चे हैं और कुछ शॉर्टकट चलने वाले लोग, कुछ रिश्वतखोर लोग हमारी उस एजेंसी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि पिछला जो रिदम था जब कांग्रेस का, उस समय भी जब मैं सीएम बना था उस समय भी इस तरह का घोटाला पकड़ में आया था। अब फिर इस तरह का घोटाला सामने आया है और मुझे ध्यान है कि उत्तर प्रदेश में भी एक बार बहुत पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना था और इन्हीं कारणों से उसको फिर भंग करना पड़ा था। तो अगर इस तरह से अत्याचार होता है हमारी नई जनरेशन के साथ, तो सरकार को चाहिए कि उसको भंग करने पर भी विचार करे। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी साफ कह चुके हैं कि आयोग के भीतर कोई रैकेट काम कर रहा है, जिसकी जांच करवाई जा रही है। दिनों से इस प्रकार की शिकायत आ रही थी कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और अन्य आयोगों में अभी कुछ एक आयोग और भी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी है। और इस पर हमने तत्काल इसका संज्ञान लिया, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिन लोगों ने एक रैकेट बनाकर इस प्रकार के काम किए जा रहे थे, बड़ा भारी रैकेट चलाया जा रहा था, उस पर तत्काल कार्रवाई हुई है। और भी जो मामले बचे हुए हैं हम उन मामलों पर भी तेजी से कार्रवाई करें। इस बीच STF ने अधीनस्थ चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी की है। STF ने लखनऊ से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। भर्तियों में हुई धांधली का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैरसैंण में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। ABP गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। खबर की करेंगे, उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 284 नए केस सामने आए हैं। 152 कोरोना मरीज पिछले 24 घंटे में इलाज के बाद घर लौटे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1301 हो चुकी है, यानी कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे के आंकड़ों पर ही नजर डालें तो 284 नए केस सामने आए हैं। 152 कोरोना मरीज पिछले 24 घंटे के अंदर ठीक होकर घर लौटे हैं और कुल मिलाकर उत्तराखंड में जो कोरोना के केसेस का आंकड़ा है वो 1301 हो चुका है। तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, एहतियात बरतने की जरूरत है।
कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। 152 कोरोना मरीज पिछले 24 घंटे में इलाज के बाद ठीक होकर घर पहुंचे हैं और 24 घंटे में जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो 284 है। कुल मिलाकर जो आंकड़ा है वो 1301 हो चुका है। इसीलिए बहुत ज्यादा एक बार फिर से ध्यान रखने की, एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि उत्तराखंड में आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देहरादून में फर्जी कॉल सेंटर्स पर एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। यहां चल रहे एक और फर्जी कॉल सेंटर में एसटीएफ की रेड हुई। आपको बता दें कि एसटीएफ की रडार पर कई और कॉल सेंटर्स भी हैं। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जहां पर फर्जी कॉल सेंटर्स पर एसटीएफ ने रेड की है, जहां कई और कॉल सेंटर्स भी बताए जा रहे हैं जिन पर एसटीएफ की नजर है और लगातार कार्रवाई जारी है। देहरादून से खबर, फर्जी कॉल सेंटर्स पर एसटीएफ की कार्रवाई लगातार चल रही है। यहां चल रहे एक और फर्जी कॉल सेंटर में एसटीएफ ने रेड की है। इसके साथ साथ ये भी जानकारी है कि कई और कॉल सेंटर्स भी हैं जिन पर एसटीएफ की नजर है। वहीं देहरादून में एक शातिर चोर ने एक ही रात में दूध की दो डेयरियों से करीब 3 लाख कैश चोरी कर लिया। आरोपी मोहित दूध की गाड़ी चलाता है। मोहित को ये पता था कि इन डेयरियों पर कैश रात को भी रखा होता है। इसी का फायदा उठाकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया, मगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। तो एक साथ दो डेयरियों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ जारी है। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ पहाड़ प्रभात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।